दोस्तों क्या आपको पता है कि फैक्ट्री में विंड मिल यानी पवन चक्की को कैसे बनाया जाता है और कैसे स्टील का इस्तेमाल होता है विंड मिल बनाने के लिए और कैसे फैक्ट्री में जनरेटर बनाया जाता है और क्या आप जानते हैं विंड मिल को कैसे इंस्टॉल किया जाता है और क्या आपको पता है फैक्ट्री में विंड मिल के फैन को कैसे बनाया जाता है और आखिर कैसे जमीन में विंड मिल के वायर को बिछाया जाता है। दोस्तों विंड मिल के मुख्य रूप से तीन हिस्से होते हैं, विंड मिल टावर, विंड मिल ब्लेड और जनरेटर। ये है विंड मिल के टावर को तैयार करने वाली फैक्ट्री। विंड मिल के टावर को स्टील से बनाया जाता है। इसके लिए फैक्ट्री में स्टील की मोटी शीट्स को लाया जाता है। कंप्यूटर में बताए गए माप के अनुसार बेंडिंग मशीन में स्टील शीट्स को डालकर उन्हें मोड़ा जाता है। विंड मिल टावर के बेलना को हिस्सों को आधुनिक और शक्तिशाली मशीनों का प्रयोग करके वेल्डिंग द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है। फैक्ट्री में मौजूद एक्सपर्ट टावर को अच्छे से चेक करते हैं और ये पक्का किया जाता है कि पूरा टावर सही माप के साथ बना हो। इसके बाद पूरे टावर पर अंदर और बाहर दोनों तरफ से पेंट की कई परतें चढ़ा दी जाती है ताकि टावर पर जंग लगने की संभावना समाप्त हो जाए। इसके बाद टावर के भीतर सीढ़ियां फिट की जाती है ताकि जरूरत पड़ने पर इंजीनियर्स विंड मिल के मेंटेनेंस या रिपेयर का काम पूरा कर सके। आमतौर पर एक विंड मिल की ऊंचाई लगभग 100 मीटर होती है, यानी विंड मिल लगभग 30 मंजिला बिल्डिंग जितना ऊंचा होता है। इसीलिए विंड मिल टावर को दो या तीन हिस्सों में ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन दोनों कामों में दिक्कत ना आए। अब हम आ गए हैं विंड मिल के ब्लेड यानी विंड मिल के पंखे को बनाने वाली फैक्ट्री में। आमतौर पर विंड मिल का एक ब्लेड लगभग 30 से 40 मीटर लंबा होता है। विंड मिल के ब्लेड को हल्का और मजबूत बनाने का पूरा प्रयास किया जाता है। कुछ साल पहले तक ब्लेड को स्टील का प्रयोग करके बनाया जाता था, लेकिन आजकल ज्यादातर विंड मिल के ब्लेड्स को फाइबर्स का प्रयोग करके बनाया जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के फाइबर शीट से बनी ब्लेड स्टील की तुलना में बहुत हल्की और मजबूत होती है। विंड मिल के ब्लेड्स भीतर से खोखले बनाए जाते हैं ताकि वे आसानी से हवा की गति के साथ घूम सके। ब्लेड्स को तैयार करने के बाद उन पर कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं ताकि उनके निर्माण में कोई कमी ना रह जाए और उन्हें कम से कम 25 सालों तक आराम से इस्तेमाल किया जा सके। सभी टेस्ट ओके होने के बाद ब्लेड्स पर पेंट करके उन्हें ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। विंड मिल टावर और ब्लेड्स के बाद विंड मिल का तीसरा हिस्सा होता है जनरेटर। जनरेटर को विंड मिल के सबसे ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है जिसके काम करने से बिजली बनती है। जनरेटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और इसे बहुत ही बढ़िया प्लानिंग और उच्चतम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बनाया जाता है। इस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स जिन्हें अपने काम का कई सालों का तजुर्बा है। फैक्ट्री में विंड मिल के जनरेटर को तैयार करते समय ही उस पर कई तरह के टेस्ट कर दिए जाते हैं। टेस्ट के लिए सबसे आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है। जनरेटर के सभी टेस्ट ओके होने के बाद जनरेटर पर पेंट किया जाता है और उसे ट्रांसपोर्ट करके उस जगह पर भेज दिया जाता है जहां पर विंड मिल को लगाया जाना है। आइए अब देखते हैं कि किस प्रकार से लगभग 2,00,000 किलो के विंड मिल को इंस्टॉल किया जाता है। इस काम के लिए सबसे पहले जमीन में चौड़ा गड्ढा बनाया जाता है। कंक्रीट और स्टील का बहुत ही मजबूत बेस तैयार किया जाता है ताकि विंड मिल के जमीन में धंसने की कोई संभावना ना रह जाए। विंड मिल के बेस को बनाने के लिए हजारों किलो स्टील का प्रयोग किया जाता है। स्टील से बेस का कैच तैयार किया जाता है और इसमें कंक्रीट भरकर इस निर्माण को पूरा किया जाता है। देखिए कंक्रीट और स्टील से विंड मिल का मजबूत बेस तैयार हो गया है जिस पर विंड मिल को फिट करने के लिए कई सारे पेज भी रखे गए। बारिश या किसी और कारण से इकट्ठे होने वाले पानी की निकासी के लिए जमीन के नीचे पाइप्स डाले जाते हैं। इसके बाद इस स्थान पर विंड मिल ब्लेड्स और विंड मिल टावर पहुंच जाते हैं। सबसे पहले विंड मिल टावर के निचले हिस्से को अत्यधिक भार उठाने की क्षमता रखने वाले क्रेन का प्रयोग करके फिक्स किया जाता है। कंक्रीट से बने बेस पर लगे बोल्ट्स के साथ विंड मिल टावर के सबसे निचले हिस्से को फिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद इंजीनियर्स टावर के भीतर लगी सीढ़ियों की मदद से टावर के टॉप पर पहुंचते हैं। क्रेन की मदद से टावर के दूसरे हिस्से को भी पहले हिस्से के ऊपर लगाया जाता है जिसे टावर के भीतर बैठे इंजीनियर्स नट बोल्ट की मदद से जोड़ देते हैं। अगले स्टेप में विंड मिल टावर पर जनरेटर को चढ़ाकर जनरेटर की फिटिंग का काम भी पूरा कर लिया जाता है। लगभग 100 से 120 मीटर की ऊंचाई तक विंड मिल के इन हिस्सों को पहुंचाने के लिए बहुत ही बढ़िया किस्म के क्रेन्स की जरूरत होती है। देखिए जनरेटर के आगे लगने वाले हिस्से रोटर हब की फिटिंग भी की जा रही है। क्रेन की मदद से ही विंड मिल ब्लेड्स को भी एक एक करके रोटर हब के साथ जोड़ दिया जाता है। इतनी ऊंचाई पर इस पूरे काम को बहुत ही एहतियात और सबसे आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके किया जाता है। इंस्टॉलेशन के तुरंत बाद विंड मिल ने काम करना भी शुरू कर दिया है। कई सारे विंड मिल को इसी प्रक्रिया से इंस्टॉल करके विंड मिल फार्म बना दिया जाता है जिसमें लगे आने को विंड मिल की मदद से लगातार बिजली बनती है जिससे हजारों घरों फैक्ट्रिया ऑफिस की बिजली की जरूरत को पूरा किया जाता है। भारत में भी अनेक जगहों पर विंड मिल और विंड मिल फार्म्स लगाए गए हैं।